रानिया रानिया बैठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं पानी लेकर आऊंगा। आपको बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए? बीवी हो गई। और मैं भी तो बीवी हूँ आपकी। बिल्कुल, तुम भी एक बीवी हो जिसे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी, मगर शायद तुम इसके लायक नहीं। आफीन भाभी आप बैठ जाइए, सुकून से आ जाएगी रानिया। उसको चक्कर आ रहे थे। हाँ तो बेचारी वीक हो गई है, अपना ख्याल भी नहीं करती। काम, ऑफिस, पढ़ाई, घर, जाहिर बात है इन सब में उसे अपना ख्याल करने का वक्त नहीं मिलता। वो डॉक्टर के पास गई थी, उसने तुम्हें कुछ बताया था? कुछ नहीं, सब खैरियत होगी और अल्लाह चाहेगा तो औलाद भी हो जाएगी। यही तो मसला है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? आप क्यों परेशान हैं आफीन भाभी? मैं क्यों परेशान होंगी? आप कुछ और कह रही हैं, आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं हाँ प्लीज, अब तुम अंदाजे मत लगाओ। आप भी तो गई थी ना डॉक्टर के पास, देखा था रानिया ने आपको वहां, उसी ने बताया है मुझे। झूठ बोल रही है वो, मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है वकार आ गए। आफरीन मुबारक। किस चीज की मुबारक? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या? मैं ये खुशखबरी अम्मी को सुना कर रहा था। क्या हुआ, हैरान हो गई? यकीन नहीं आ रहा होगा ना तुम्हें, यकीन मुझे भी नहीं आया था जब डॉक्टर ने बताया था। मैं तो मायूस होने लगी थी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है आफीन और मेहरबान थी, वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं होने देता। लेकिन तुम तो इलाज करवा रही थी ना अपना? तब सेट था, उसके कुन का इंतजार था। तो कब बता रही हूँ वकार को अपना सच? कौन कौन सा सच? मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली, लेकिन बताया नहीं है किसी को। अभी भी मौका दे रही हूँ तुम्हें, जाकर बता दो सब। हिम्मत करो आफरीन, अब बताओ सब कि ये खुशी तुम उन्हें कभी नहीं दे सकती। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पर, तुम्हें लग रहा होगा कि हवा में तीर चला रहा। दिखाओ तुम्हें, अभी रुको। कोशिश भी ना करना, बेहतर यही होगा कि सबको अपना सच बता दो, क्योंकि अगर मैंने बताया तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो जाएगी।